हे गाइस, वेलकम बैक टू नेक्स्ट ट्रिक्स। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप अपनी आईफोन की प्रॉब्लम्स किस तरह ठीक कर सकते हैं अगर आपका आईफोन एप्पल लोगो पर स्टक हो गया है, या फिर ब्लैक स्क्रीन शो कर रहा है और ऑन नहीं हो रहा, या फिर रिकवरी मोड में स्टक हो गया है, या फिर बूट लूप, या फिर कोई भी एरर दे रहा है, तो उसको आप बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको टेनोड शेयर रीआई बूट को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी मदद से आप रिकवरी मोड में एंटर हो सकते हैं, या फिर उसको एग्जिट कर सकते हैं, या फिर और भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर मेंशन की गई हैं जिनको आप बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो इसका डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करने के बाद इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बहुत ही आसान है। तो इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करें तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 150 प्लस आईफोन की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है, जिसमें एप्पल लोगो स्टक, आईफोन रीबूट लूप और ब्लैक स्क्रीन वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा नीचे भी यहाँ पर दो ऑप्शंस दिए गए हैं जिसकी मदद से आप रिकवरी मोड को एग्जिट कर सकते हैं या फिर उसमें एंटर हो सकते हैं। और इसके अलावा आप अपनी डिवाइस को रीसेट भी कर सकते हैं। तो अपनी iOS की प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए यहाँ स्टार्ट के बटन पर क्लिक करें। तो यहाँ पर इसके दो ऑप्शंस हैं, स्टैंडर्ड रिपेयर और डीप रिपेयर। स्टैंडर्ड रिपेयर की मदद से आप अपनी iPhones की प्रॉब्लम्स ठीक कर सकते हैं और इससे आपका डाटा भी महफूज रहेगा। और डीप रिपेयर की मदद से आप iPhones की मजीद प्रॉब्लम्स ठीक कर सकते हैं, लेकिन इससे आपका डाटा लॉस हो जाएगा। तो हम स्टैंडर्ड पेयर को फॉलो करेंगे क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम्स इसी से ठीक हो जाती हैं। तो स्टैंडर्ड पेयर के बटन पर क्लिक करें और यहाँ पर ये आपका आईफोन मॉडल शो करेगा और आपको फर्मवेयर डाउनलोड करने का बोलेगा। अगर आप चाहें तो आप इसकी लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ डाउनलोड के बटन पर क्लिक करें तो ये डाउनलोड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कुछ टाइम ले सकता है क्योंकि फर्मवेयर फाइल थोड़ी लार्ज फाइल्स होती हैं, तो ये डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम ले सकता है। ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पर। तो यहाँ पर ये फर्मवेयर डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद यहाँ स्टार्ट स्टैंडर्ड रिपेयर के बटन पर क्लिक करें तो ये रिपेयरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी ये 2 से 3 मिनट ले सकता है। तो अपने आईफोन को USB डाटा केबल की मदद से PC के साथ कनेक्ट किए रखें और इसको तब तक ना उतारें जब तक सारा प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड रिपेयर कंप्लीट। तो आपका आईफोन रीस्टार्ट होगा और आप नोटिस करेंगे कि आपके आईफोन की तमाम प्रॉब्लम्स ठीक हो चुकी हैं। तो सॉफ्टवेयर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।